नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट बीकानेर राजस्थान से। गर्मियों का मौसम आते ही ये बहुत आम सवाल हो जाता है कि डॉक्टर, क्या हम इस मौसम में आम का सेवन कर सकते हैं या नहीं? कहीं आम खाने से हमारे चेहरे पर कील मुहासे बढ़ तो नहीं जाएंगे? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आम खाने से आपके कील मुहासे एक्चुअली बढ़ सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, एक कोइंसिडेंस है और हमें बस ऐसा लगता है कि हमारे कील मुहासे आम खाने की वजह से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीज समझने से पहले हमें डाइट से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जब भी आप कोई फूड आइटम कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने से ये आपके पैंक्रियाज नाम से ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो आपके ब्लड में इंसुलिन नाम से एक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाता है, जिससे कि ब्लड इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। ये इंसुलिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 नाम के एक मीडिएटर का लेवल बढ़ाता है। IGF-1 कोमेडोजेनिक होता है, यानी कि यह डायरेक्टली आपके कील मुहासे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। अब ग्लूकोज किस हद तक बढ़ता है और कितनी तेज़ी से बढ़ता है, ये दो इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ये होते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड। ग्लाइसीमिक इंडेक्स हमें ये बताता है कि फूड को कंज्यूम करने के बाद में कितनी देर में और कितनी तेज़ी से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा, और ग्लाइसीमिक लोड हमें बताता है कि उस फूड आइटम का टोटल कार्बोहाइड्रेट लोड कितना है। मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 52 टू 56 के बीच में है, जो कि लो टू मीडियम रेंज में माना जाता है, और ग्लाइसीमिक लोड पर सर्विंग 8 आता है, जो कि मीडियम रेंज में है। इसे अगर और कॉमनली यूज फूड आइटम से कंपेयर किया जाए, जैसा आप इस पिक में देख सकते हैं, तो मैंगो का ग्लाइसीमिक लोड और ग्लाइसीमिक इंडेक्स दोनों ही इनके कंपेरिजन में काफ़ी लो है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो कि मीठा होने के बावजूद इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड दोनों ही मीडियम रेंज में आते हैं, हाई रेंज में नहीं आते। तो यदि मॉडरेशन में खाया जाए, संतुलित तरीके से खाया जाए, आम का सेवन किया जाए, तो इससे कील मुहासे बढ़ने की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी भी चीज को आप एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। आम के केस में भी ऐसा है, अत्यधिक मात्रा में खाएंगे तो डेफिनेटली आपके कील मुहासे बढ़ाएगा, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में इसका कंजम्पशन करेंगे तो ये आपके चेहरे को, आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं करेगा। इसके बजाय आम में बहुत तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आम विटामिन सी में बहुत रिच होता है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन B6 का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो कि ये विटामिन्स आपकी स्किन के लिए बहुत लाभकारी भी होते हैं। इसलिए गर्मियों के मौसम में आम को पूरी तरह से ना छोड़ें, आम का लुत्फ उठाएं, लेकिन संतुलित मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में इसको कंज्यूम करें। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको इस विषय के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।